गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी राधे राधे, मैं नहा ली हूँ और आज मैंने अपने हेयर भी वॉश किए हैं। और आज है, डेट क्या है आज? आज है मंगलवार। हाँ, आज है 18 अप्रैल मंगलवार और सुबह के बज रहे हैं 8:30। ये आप देख सकते हो, ठीक है। और मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और मैंने सोचा अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं दिल्ली से जो पेड़ लेके आई थी वो मैंने लगा दिए हैं। तो मैंने लगाते वक्त तो कोई शूट नहीं करा, लेकिन वो हुआ ये कि जिस दिन मैं आई थी ना दिल्ली से, तो काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी, तो रात में लगाया था मैंने सारे पेड़ अपने, रात में लगाए थे वो करके टॉर्च जला के फ़ोन की। तो इस वजह से मैं आपको कुछ भी शूट करके दिखा नहीं पाई। तो मैं अब दिखा दूँगी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बहुत सारे प्लांट लेके आई थी मैं दिल्ली से, इधर उधर से मांग के, सिर्फ कटिंग लेके आई थी। अब देखते हैं होएंगी या नहीं होएंगी। जितने भी पेड़ थे ताई के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कटिंग ले आई, और मम्मी के यहाँ से एक लेके आई हूँ, एक आंटी के यहाँ से लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सा कहाँ कहाँ से लाई हूँ। और अभी मेरा मतलब नाश्ता पानी भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी मैंने पूजा की है और बस बाल वालों में लग रही थी, अपना सिंदूर भरा और टीका लगाया, मेकअप करा थोड़ा सा। तो रील्स भी शूट करूँगी एक दो, इसलिए मैंने थोड़ा मेकअप कर लिया। तो अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ पहले, उसके बाद ही आपको दिखाती हूँ, या फिर पहले दिखा देती हूँ फिर ही खा लूँगी। और यहाँ पे मेरे लाला दोनों बैठे हुए हैं, देखिए भागवत आ रही है, भागवत देख रहे हैं। और ये दुपट्टा देख रहे हो आप, मम्मी ने दिया है, बहुत ही सुंदर सा। क्या बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, लेडीज़ बनी हुई है, मटका सा और लेडीज़ सी बनी हुई है। तो बहुत ही सुंदर और कलर भी अच्छा है, हर किसी पे चल जाएगा। तो मम्मी ने मुझे दे दिया, 3 दुपट्टे दिए, मैं आपको तीनों दिखाती हूँ, ठीक है जी। इस वाले रूम में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि सारा उसमें ले जाओ फिर इसमें लाओ तो मैं परेशान हो जाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसी में दिखा दूँ। लेकिन क्लियरिटी अच्छी नहीं है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत है। गेट बंद करके मैंने अंदर से दुपट्टा उतार दिया, क्योंकि मेरे बाल हैं गीले, सूख जाएंगे और ठीक ही होगा मैं। तो मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत सा सामान है। तो एक दुपट्टा तो ये मैंने दिखा दिया आपको, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसका, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा प्रिंट है इसका, है ना। तो एक दुपट्टा तो ये वाला हो गया जो कि मैंने आज ओढ़ रखा, और एक दुपट्टा ये वाला। तो यहाँ पे ना थोड़ी क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही, वरना रेड कलर बहुत अच्छा कलर है ये, और आजकल चल रहे हैं इसमें है चमक वाली लाइन है थोड़ी सी, स्पार्कल जैसी, ठीक है। दो दुपट्टे हो गए और एक है ये टाइगर प्रिंट। ये 3 दुपट्टे मम्मी ने मुझे दिए हैं, तीनों न्यू हैं, एक भी मम्मी ने पहना नहीं था, सिर्फ ये वाला ओढ़ रखा था, पहले दिन ही ओढ़ रखा था मम्मी ने कल जब मैं गई थी। तो ये भी मम्मी ने मुझे दे दिया। और आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने बनाई है जैकेट, ऊन से बनाई है जैकेट मम्मी ने मेरे लिए, ये देखिए आपको दिख रही है। ये ना क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, इस वजह से ऐसी दिख रही है। ये बटन है इसके, और ये है इसका गला, और इस तरह से इसको पहनेंगे, ठीक है। सर्दियों में आपको अच्छे से पहन के दिखाऊंगी। और इसमें मम्मी ने बॉर्डर भी बनाया है, ये देखिए कितना सुंदर सा बॉर्डर है ये नीचे डिजाइन, और इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है ये देखिए, लेकिन क्लियरिटी की वजह से दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। और एक है ये चावल का पूरा डब्बा है, ये देखिए। तो यहाँ से मैं चावल इसलिए नहीं मंगाती हूँ, जब भी हस्बैंड चावल लेके आते हैं ना, वो सारे घिच पिस्से हो जाते हैं, एकदम ही घुट जाते हैं। और ये वाले चावल चाहे कितने भी ज़्यादा उबाल लो, घुटते नहीं हैं, एक एक चावल अलग हो जाता है। तो मैं इसलिए ये लेके आई मम्मी के यहाँ से, जितने थे मम्मी के घर पे पड़े हुए वही मम्मी ने डब्बे में डाल दिए। और है, और ये 2 बोतल हैं, ग्लूकोज में निकली थी तो मम्मी ने कहा कि बच्चों के स्कूल में काम आ जाएंगी, ये देखिए इस तरह से इसको खोल के आप बच्चे पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये बब्बू के लिए, एक तुल्ली के लिए, और
ये कुछ सामान है दुकान में, जैसे मम्मी ने बिस्कुट वगैरह दिए हैं घर के, और शैम्पू है, बिस्कुट हैं, मैगी वगैरह है, और एक ये है कॉलगेट, बहुत बड़ी सी कॉलगेट है, इसमें तीन है, एक एक तो मैंने यूज़ करने के लिए निकाल ली और दो इसमें है। ये देखिए काफ़ी भारी है, ये देखिए ये दो हैं, ये तुरंत की तुरंत भाई ने ऑर्डर की थी, और इसकी सर्विस ना मुझे बहुत तगड़ी लगी। भाई ने ऑर्डर करी ऊपर और नीचे आके ले ली तुरंत ही, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कोई कैसे देख के जा सकता है। बड़ी मन की तगड़ी सर्विस है यार, ऊपर ऑर्डर करी नीचे आ गई, ये तो कमाल हो गया। और मैं सोच रही थी पता नहीं कब आएंगी, और हमें जाना भी तो कह रहा एक मिनट में आ जाएंगे, और वही हुआ एक मिनट में आ गई। और ये लिवॉन का सिरम है, ये भी भाई ने तभी की तभी ऑर्डर किया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, और एक है ये ब्लाउज, मम्मी ने ली थी अपने लिए साड़ी, पता नहीं आपको अच्छे से दिख रही है कि नहीं, बहुत सुंदर सी साड़ी है, इसमें इतनी अच्छी अच्छा ब्लाउज नहीं दिख रहा क्लियरिटी की वजह से, वरना साड़ी बहुत खूबसूरत है। तो ये ब्लाउज सिलने के लिए दिया है मम्मी ने, और एक दी है ये साड़ी, तो ये मम्मी ने अपने लिए ले रखी थी, लेकिन वही है ना, जब भी मैं जाती हूँ तो ज़बरदस्ती रख देती कि थोड़े दिन तू पहन ली फिर मैं पहन लूँगी, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती रख दी, तो मैं ले आई हूँ। इसका बॉर्डर काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये वाली साड़ी अपने लिए नहीं ली मम्मी ने, सॉरी, ये वाली साड़ी उन्होंने दी थी सर्दियों में, मैं शादी में गई थी ना, उन आंटी ने शादी में मम्मी को दी थी, तो मेरे को भी जो सामान दिया था वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये मम्मी को दी थी। तो काफ़ी सुंदर साड़ी है, इसका ब्लाउज है, मैं सिलूँगी तब आपको पहन के दिखाऊँगी, बहुत सुंदर कपड़ा, अच्छा है। तो यही थोड़ा बहुत सा सामान था, और आपको अब अपने प्लांट दिखा देती हूँ। जो ये वाले डब्बे हैं ना, ये वाले जो डब्बे हैं, तो खाली मम्मी ने बहुत सारे दिए थे मेरे को, सब में मैंने पेड़ लगा दिए यहाँ से काट काट के, तो आपको दिखाती हूँ। एक भी मेरे को गमला खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दुकान में जितने भी वो रखे थे ना डब्बे मम्मी के खाली, वो सब मैं ले आई, मेरे को गमला खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फालतू खर्च होता है ना गमला खरीदने में, इसलिए मैं सारे डब्बे ले आई मम्मी के, और उनमें ही मैंने सारे प्लांट लगा दिए। आइए दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये तो मैं पूरा ही लेके आई हूँ मम्मी के यहाँ से, ये इसके साथ ही लेके आई हूँ ये सारे, तो इसको तो लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे। और मेरे पास भी था पत्थर चट्टा इसमें और इसमें, तो मैंने इसका और इसका निकाल के भी इसी में लगा दिया, मैंने कहा ये बहुत बड़ा है तो इसी में हो जाएंगे सारे, तो आप देख सकते हो कितने सुंदर हो रहे हैं। और ये मनी प्लांट मैं ताई के यहाँ से लेके आई, और इसमें जितने भी सदाबहार हो रहे हैं वो सब ताई के यहाँ से पौधे लेके आई थी, और ये वाला आंटी के यहाँ से लेके आई थी, तो ये वाला और ये वाला, ये एक में ही लगे हुए थे, मैंने दो में लगा दिए इसमें और इसमें करके, तो आप देख सकते हैं ये आंटी ने दिया था सामने वाली ने, और ये केला है जो कि ताई ने दिए थे, और ये चावल भर के दिए थे मम्मी ने, तो चावल मैंने दूसरे डब्बे में नए में कर लिया और उसमें लगा दिए मैंने केले, क्योंकि ये डब्बा बड़ा था। और ये कड़ी पत्ता है जो कि ताई के यहाँ से लेके आई मैं, और ये दोनों डब्बे हैं जो कि मम्मी की दुकान में से लेके आई, और ये एलोवेरा है मम्मी के यहाँ से लेके आई और ताई के यहाँ से भी लेके आई, इसमें मिक्स लगा दिए मैंने बस यही। और हाँ, दो केली ये भी ताई के यहाँ से लेके आई, और ये ताई के यहाँ से छत पे से लेके आई थी, और ये टमाटर मेरे यहाँ हो रहे थे तो मैंने इसी में लगा दिए, और टब मम्मी के यहाँ से लाई थी, ये वाला टब मम्मी के यहाँ से लाई थी, और आपको अच्छे से सारे दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने जीने में रखे हुए हैं, तो जीने में मैंने इसलिए रख दिए हैं, हफ्ते भर तक 15 दिन तक ना जीने में रख दूँगी, क्योंकि ना धूप इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि पूछो मत, और अभी ताज़े ताज़े लगाएं तो कहीं मर ना जाएं, इसलिए मैंने जीने में रख दिए, 10-15 दिन तक रखती हूँ, फिर धूप झेलने के काबिल हो जाएंगे ये, फिर मैं बाहर रख दूँगी इनको। तो कैसे लग रहे हैं मेरे प्लांट, बहुत सुंदर से लग रहे हैं ना, मुझे अपने प्लांट्स की बहुत याद आती है, इसलिए मैं दोबारा ले आई हूँ और दोबारा लगाऊँगी। धूप देख रहे हो, बिल्कुल भी ना बैठा नहीं जा रहा है। और आपको दिखाऊं, मैंने अपना पाइप है ना, उसमें भी टेप लगा दी, ये देखिए पूरे पाइप में लगा दी जितना भी था, तो 40 रुपये की टेप आई थी इतनी बड़ी सी, और वही पूरे में लग गई, डबल और लगी है, एक बार मैं ऐसे लगा के ले गई और एक बार ऐसे लगा के ले गई,
तो पूरी लग गई। और अभी पानी भी नहीं वेस्ट हो रहा, वरना पाइप खरीदना पड़ता 200-300 से कम नहीं आता। ये 300 रुपये का लेके आई थी मैं ये वाला पाइप, तो 300 रुपये से तो बेटर है कि 40 रुपये में मेरा काम हो गया। अभी पानी भी नहीं निकल रहा, अब अच्छे से पानी डाल पाऊँगी मैं? नहीं तो पता क्या होता था, थोड़ा सा पानी गमलों मतलब एंड तक तो पानी जाता ही नहीं था, वो बीच में ही सारा पानी निकल जाता था, पाइप इतना फूट रहा था और गमलों में इतना पहुँच नहीं पाता था जितना, पूरी टंकी खाली हो जाती थी पाइप जब भी चला कर मैं पानी डालती थी, तो इस वजह से मेरे को लगाना पड़ा। नहीं तो क्योंकि आपको पता ही हमारी मोटर इतनी जल्दी जल्दी ख़राब होती है तो पानी वेस्ट होने नहीं दे सकते, इस वजह से मेरे को वो टेप लगानी पड़ी इसमें। और बहुत ही अच्छे से मेरे सारे प्लांट हो रहे हैं, एक येलो कलर का फूल भी निकला है फुलवाड़ी में, ये देखिए सुंदर से। और यहाँ पे ये सारे फूल खिलेंगे, आपको दिन में दिखाऊंगी, अभी तो खैर खिलेंगे नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना 8:30 का, तो 10 बजे के बाद ही खिलेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हो रही है ना फुलवाड़ी, तो इसी को बढ़ने देती हूँ मैं, इसी में से कटिंग कर करके ना और फैला दूँगी, फैलाना चाहूँगी तो, वैसे मैं फैलाऊँगी नहीं ज़्यादा। और बाकी धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ज़बरदस्त वाली धूप निकल रही है, मज़ेदार। और मेरी तुलसी माँ भी ना ढंग से हो नहीं रही है, क्यों? क्योंकि इनको ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मुरझाई मुरझाई सी रहती हैं, रात को खिली खिली रहती हैं। पर क्या करूँ, इतना बड़ा जीना भी नहीं है कि सारे एडजस्ट कर दूँ, इसलिए इनको तो यहीं रखना पड़ेगा मुझे। सो गाइस, तो मैंने रील शूट कर ली है दो चैनल पर, इंस्टाग्राम पे दो चैनल है मेरे, तो मैंने रील शूट कर ली है, तो अब मैं जा रही हूँ माला करने। पेंडिंग की दो माला और पड़ी हैं, उनको भी दो आज कर लूँगी, दो कल कर लूँगी तो हो जाएंगी, और फिर उसके बाद मैं सिलूँगी सूट, वहाँ पे रखे हुए मेरे सूट, देखती हूँ कौन सा सिलूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कौन सा सिला शाम तक। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो जी आज है, मेरा तिलक छूट गया क्या? नहीं, तो आज है 19 अप्रैल वेनसडे। तो आप सोचते हो उधर क्या देख के बोलती है, तो उधर कैलेंडर लग रहा है ना, मैं उसमें से देख के बोलती हूँ। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, तो कल मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी है और एंड नहीं करा, और मैं भूल गई बिल्कुल ही, अपने बिजी हो गई सिलाई करने में। तो अभी मैं एडिट करने के लिए वीडियो निकाल रही, तो देखा एंड ही नहीं हुआ पड़ा है, तो मैंने सोचा एंड कर देती हूँ। और उससे पहले आपको दिखाती हूँ कल मैंने कौन सा सूट सिला था, जो आंटी ने दिया था ना, शादी में गई थी मैं दिल्ली, सर्दियों में गई थी, हाँ, तो जो आंटी ने सूट दिया था वही मैंने सिला है, बहुत अच्छा कपड़ा है उसका। तो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, सूट भी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है और सूट बहुत प्यारा लग रहा है, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ फिर एंड करूँगी वीडियो का। ये है वो सूट, क्लियरिटी नहीं मस्त आ रही रूम में, ये देखिए इधर एक बॉर्डर है इसका, वो मैं लगा दूंगी बाद में। और ये इसका गला है, आपको दिखा दो, ये देखिए, और देखो बिल्कुल भी ना नग नहीं दिख रहे हैं इसमें, और ये नग लगे पड़े हैं, ये नग हैं, ये जो लगे हैं ना ये नग हैं, और इसमें दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी वीडियो में। तो ये मैंने कुर्ता कल सिला, और इसकी सलवार है ये सलवार मैंने सिली, तो सलवार का कपड़ा बहुत कम निकला था, इसलिए मैं ना आधा मीटर ये ले गई थी बीकानेर से ऊपर के लिए, आपको दिख रहा होगा लगे थोड़ा सा, पर ठीक है वो सूट के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि घेर ज़्यादा हो गया, अब मैं मन से पहन सकती हूँ इस सूट को, और घेर कम होता है और फिर धोती सलवार ही हो जाती सारी की सारी ना, इसलिए मैंने धोती सलवार ना बना के सलवार बनाई है, बस बेल्ट का कपड़ा लाना पड़ा और मेरी सलवार घेर वाली हो गई, अब मैं पहन सकती हूँ बढ़िया तरह से। तो आपको कैसा लग रहा है ये सूट? और ये इसका दुपट्टा है, आपको दिखा दूँ ये वाला, इसमें बॉर्डर लगा है बहुत ही प्यारा सा सूट के मैचिंग का, ये इसका दुपट्टा है, ठीक है, ये देखिए पूरा सूट। तो जी कैसा लगा आपको मेरा पूरा सूट? पहले मैंने सिल लिया था, सिर्फ डोरी तो लगा दी है, सिर्फ लटकन लगानी बाकी है, वो लटकन मैं आज लगा लूँगी इसमें, और उसके बाद मैं सिलूँगी ये वाला। तो आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो ये मैं कल वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगी कैसा सिला, क्या आइडिया आया मेरे दिमाग में, अभी तो मुझे पता नहीं है कैसा सिलूंगी। तो होप करती हूँ मेरा सूट बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और मेरी छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय, लव यू ऑल।